आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल वर्किंग प्रोफेशनल की तीसरी क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेस्ट स्टेशन के अगले चैप्टर। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 20 और 30 अगर हम 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्टेशन। प्लीज सर, शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। इसमें हम ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। जहां से कॉपी हो रहा है, जहां पे पेस्ट हो रहा है, उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और यहां पे वो पेस्ट हो जाएगा। राइट सर? और मैंने आपको इसकी यूजेस के रिसर्च के लिए बोला था, आपने किया लेकिन मुझे आया नहीं। प्लीज सर, होमवर्क को कर लिया कीजिए, गलत सलत नहीं लेकिन करके जरूर भेजिए। चलिए इसका यूज हम आपको बताते हैं। अब इसके यूज को हम सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20% लिखा तो 20 और परसेंट का सिंबल दिया, तो यहाँ पे 20% आपके सामने हो गया। राइट? अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 लिख दिया, उसके बाद इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करते हैं तो ये 2000% हो जाता है। मतलब कि मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 लिखना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर परसेंटेज देना पड़ेगा। ये क्लियर है आप लोगों को? संजीव जी और अजय खान जी, जी जी क्लियर है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मेरे कलीग थे, वो मुझे डेटा भेजते थे और परसेंटेज का सैंपल दे देते थे। परसेंटेज का सैंपल दे देते थे और यहाँ पे मुझे डेटा इस तरह से भेज देते थे। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि डेटा होता था नंबर फॉर्मेट में, जैसे कि अभी ये है, लेकिन हमें जहां यूज करना होता था वहां पे परसेंटेज चाहिए। मतलब कि यहाँ जैसे बताया कि एक्सेल में क्या होता है कि 1 = 100% होता है, तो अगर मैं 85 की यूज करूंगा तो 85-100% हो जाएगा। मुझे खाया तो इसके अंदर परसेंटेज का सिंबल इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा या फिर इसको 0.85 में लिखने के बाद फिर परसेंटेज यहां से असाइन करना। तो दोनों काम ही थोड़ा सा जटिल है। तो हमने क्या किया कि हमने एक सेल के अंदर 100 को टाइप किया और इस 100 को कॉपी कर पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इस पे हमने क्या किया, यहां डिवाइड। तो अगर हर नंबर को 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे 85 को 100 से डिवाइड होगा तो 85 डिवाइड होने के बाद 0.85 हो जाएगा। और यही हुआ, सारे नंबर्स डेसिमल्स में हो गए। अब मैं इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करूं, ठीक है? तो हमारा काम हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नेम है, मैं ऐसे नेम 1, 2, 3 कर देता हूं और यहां पे इनके प्रोडक्ट का सेल है। ऐसे प्रोडक्ट का सेल काफी ज्यादा हो सकते हैं। और फिर हमने यहां पे इसको रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ हम इसको ड्रैग कर कॉपी करके इसी के ऊपर हम वैल्यू पेस्ट करते। अब जैसे कि बॉस को हमने भेजा तो हमारे बॉस ने बोला कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके इसका फिगर क्या है, हमें फर्क प्रकार पड़ता है कि इसका जो है 70 इसका टारगेट है। क्या है? 70 इसका टारगेट है, तो आपको यहाँ पे 90 डिवाइड बाई 70 को शो करना है परसेंटेज में। मुझे पता करना है कि इस प्रोडक्ट में कितना परसेंट टारगेट से ज्यादा या कम सेल किया गया है। राइट? तो हमने यहाँ पे, हाँ,
यहाँ से सीमेंट्री को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और इस एरिया के ऊपर हमने इसको पेस्ट किया, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने क्या कर दिया, डिवाइड। परसेंटेज हो गया सर, क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। लेकिन मैंने आपको बोला कि कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो हम एक बार और क्या करेंगे, 100% यहाँ पे लिखेंगे, इसको कॉपी करेंगे और फिर इसको राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये 21% ज्यादा सेल हुआ है, ये -32% कम सेल हुआ है। क्लियर सर? अब एक चीज, एक प्रॉब्लम और है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो यहाँ डेटा है ना सर, ये डेटा नॉर्मल डेटा नहीं है, एक किसी फॉर्मूले को कैलकुलेट करके दी गई फिगर है, और मैं उस फॉर्मूले को पेस्ट एज ए वैल्यू नहीं करना चाहता हूँ, एक एक करके फॉर्मूले के अंदर डिवाइड बाय सिमिलरिटी भी करना नहीं चाहता। तो उस केस में हम इस 70 को कॉपी करेंगे और पूरे एक एरिए को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए डिवाइड, और यहाँ पे फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर सर? हेलो, जी हाँ क्लियर है। अब यहाँ पेज 70 देखा आपने, फॉर्मूले को ब्रैकेट में लेके 70 कर दिया, फॉर्मूले को रिमूव नहीं किया। अब क्वेश्चन है कि जिस जो 70 हमारा आया है, ये भी हमारा किसी न किसी फॉर्मूले से है, और मैं इसी का फॉर्मूला इसके ऊपर पेश करना चाहता हूँ डिवाइड में, तो उस केस में भी आप जो है राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और आप वैल्यू को जगह पे फॉर्मूला सिलेक्ट करें, तो फॉर्मूला डिवाइड बाय फॉर्मूला हो जाए, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, हमने फॉर्मूला सिलेक्ट किया और यहां पे हमने सिलेक्ट किया डिवाइड, तो फॉर्मूला डिवाइड बाय फॉर्मूला। नहीं, मैं फॉर्मूला लगा लेकिन मुझे डिवाइड वैल्यू ही करना है, तो पेस्ट स्पेशल में हम यहां पे वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे डिवाइड भी तो करना है, ठीक है सर? ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी हाँ। अब चलिए अगला एग्जांपल से बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है स्किप ब्लैंक। अब स्किप ब्लैंक क्या करता है, इसको एक बार देख लीजिए। अब स्किप ब्लैंक जो है, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, इस नंबर में कोई ऐसा नंबर जो है अब गलत है, मतलब हमने इसे ऐसे हजारों नंबर थे, हमने उनको दिया अपडेट करने के लिए, जो हर तीन नंबर है उनको हमने दिया इसको अपडेट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे वो जो है इसका अपडेटेड नंबर, सॉरी तो सेम लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि 80 होना चाहिए था, यहाँ पे 24 होना चाहिए था, यहाँ पे 21 होना चाहिए, ऐसे हजारों में सैकड़ों चेंजिंग है। अब मुझे इसको एक एक करके अपडेट करना पड़ेगा कि कॉपी पेस्ट, ठीक है? तो इसको ना करके यहाँ हम कॉपी करते हैं, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम स्किप ब्लैंक करते हैं। स्किप ब्लैंक पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया, तो देखिए इसने ब्लैंक को कॉपी नहीं किया, ब्लैंक की कॉपी को स्किप कर दिया, सिर्फ कॉपी कौन सा किया, कॉपी किया जो हमारी वैल्यू थी। ये समझ में आ गया आप लोगों को? रजनीकांत जी एक बार फिर से बता दीजिए। हुआ क्या कि मेरे पास एक डेटा है, उसी के सामने
उसका एक करेक्ट डेटा लिखा हुआ है, अब मुझे इसको अपडेट करना है। ब्लैंक है इसका मतलब वो करेक्ट है, ठीक है, जो नंबर चेंज है उसको अपडेट करना है। तो मुझे 80 को उठा के इसके पर कॉपी करना है, 24 किसको कॉपी करना है, 50 इसके कॉपी करना है। तो ऐसे एक ही अगर हम करेंगे तो हमारा काफी ज्यादा टाइम लॉस्ट होगा ना सर। जी हाँ, तो हम एक एक नहीं करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम स्किप ब्लैंक चूज कर देंगे एंड ओके कर देंगे। ठीक है, अपडेट हो गया, ब्लैंक वाला करेंगे वो, बाकी आपका अपडेट हो। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला है ट्रांसपोज का, तब इसको कॉपी कर लिया और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपका हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। हम बात करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर। अब यहां पे मैं एक छोटा सा डेटा बना, तो ये हमारे सामने आपके सामने एक डेटा है। अभी क्या है कि मान लीजिए कि हमने इस कॉलम को छोटा किया, तो पूरा कॉलम छोटा होगा ना, तो नीचे का जो डेटा है वो भी छोटा हो गया। हम चाहते हैं कि जो नीचे का डेटा है वो छोटा ना हो। हमने इसको कॉपी किया और इसी के ऊपर हमने बोल दिया पेस्ट स्पेशल। और यहां पे पेस्ट है जो पिक्चर ने, जैसे पेस्ट से पिक्चरिंग किया। अब मैं इसको अगर ड्रैग बड़ा करता हूं तो बड़ा हो जाता है, छोटा करता हूं तो छोटा हो जाता है, और इसको किसी भी एंगल पे अगर आपको रोटेट करना है तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। तो किसी भी एंगल पे इसको रोटेट भी किया जा सकता है, बट प्रॉब्लम है कि लिंक नहीं है, ये आपका डेटा इससे लिंक नहीं होता है। नहीं बोले सर, तो अब मैं चाहता हूं कि लिंक भी रहे ताकि मैं इसको चेंज करूं तो मेरा डेटा पिक्चर भी अपडेट हो। तो यहां पे हमारे सामने पेस्ट एज ए पिक्चर दिख रहा, पिक्चर एज ए लिंक दिख रहा, पिक्चर जो लिंक कर दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करता हूं, ये सेम सीट अनदर फाइल सब पे वर्क करेगा,
मैं सामने से रखा था कि आपको इफेक्ट समझ में आ जाए। कोई वैल्यू चेंज करता हूं, क्या देखिए वैल्यू भी चेंज हो गई। अब मीन ना, अब इसको भी मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूं, इसको भी हम यहां से रोटेट कर सकते हैं। अगर लेकिन मान लीजिए बढ़ गया रेट, अभी हाँ मान लीजिए कि रमेश नाम का लड़का हमारे पास ज्वाइन कर दिया, अब मुझे इसको भी ऐड करना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक फॉर्मूले से लिंक होता है। वहां देखिए याद ही था आपको, ए वन से सी सेवन, देखा ए वन से सी सेवन। अब सेवन को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं और यहां पे एट कर देता हूं, एंटर मारा। अब देखिए रमेश आ गया सर, आ गया। इस तरह से इसको ला सकते। तो ये सेम सीट अनदर सीट अनदर फाइल सब इसका इस्तेमाल कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे उसको उठा के एमएस वर्ड पे ले जाना है, तो मैं एमएस वर्ड खोलता हूं, या मुझे इसको पावर पॉइंट पे ले जाना है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा वो एक्सेल फाइल से लिंक रहे, जैसे मैं एक्सेल पे अपडेट करूं, मेरा यहां पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए, क्या सर? तो मैं यहां पे पेस्ट की जगह पे सबसे नीचे आता है पेस्ट स्पेशल, उस पे जाऊंगा पेस्ट लिंक और इसको सिलेक्ट करके ओके आ गया। अब इसको भी अपने हिसाब से कहीं भी रखिए, कहीं भी बड़ा कीजिए। अगर कल मानो कभी डेटा अपडेट नहीं हुआ तो राइट क्लिक कीजिए इसको और यहाँ पे अपडेट लिंक पे क्लिक कर, आपने देखा होगा अपडेट इस पे क्लिक कर, ये अपडेट होता है। ऐसे आप एमएस वर्ड में अभी कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कर सकते। ठीक है, अब मैं अपने एक्सेल में कुछ चेंजिंग करता हूं। मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, 150 का कलर चेंज कर देता हूं, डिफरेंट कर देता हूं, एक मैं इसको रेड कर। तो आप देखिए जो हमने वर्ड पे ले गया था रेड हो गया, क्या सर? हाँ रेड हो गया। ऐसे आप देखोगे पावर पॉइंट में भी आपका रेड हो गया। अगर नहीं हुआ तो अपडेट लिंक पे क्लिक कीजिए, अपडेट लिंक। लेकिन इसका यूज हम लोग एक जगह और करते हैं, अब कहां करते हैं चलिए आपको समझाते हैं। आउटलुक आप लोग यूज करते हैं? नहीं सर, अभी पता नहीं आउटलुक के बारे में। जी हम यूज करते हैं। जी हाँ मैं यूज करता हूँ, ऑफिस में आउटलुक पर ही काम होता है। आउटलुक मेलिंग के लिए होता है, जीमेल से मेल करते हैं तो आपको वेब ब्राउजर खोलना पड़ता है संदीप जी। तो इसमें वेब ब्राउजर में आपका ऐप होता है जहां पे सारे पुराने मेल होते हैं, कभी इंटरनेट नहीं चला फिर भी आप पुराने मेल को आप यूज कर सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट वगैरह बना के भेज सकते हो, ये सब फीचर्स भी यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेरे ऑफिस में काम किया था कि मुझे एक रिपोर्ट को, जैसे मान लीजिए इन समरी को मुझे दिन में 10 बेर भेजना होगा, हर आवरली रिपोर्ट था, हर आवर में भेजना होगा। तो ये फॉर्मूला से लिंक था, हम डेटा अपडेट करते थे, ये मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता। अब इसको कॉपी करके मेल वर्डी पे पेस्ट करना होता था और पेस्ट करके हमें मेल करना होता हर घंटे या 2 घंटे। तो हर बार मेल को कंपोज करना या पुराने मेल को ढूंढ के उसको रिप्लाई या फॉरवर्ड करना, पुराने मेल के डेटा को डिलीट करना, मेल आईडी आईडी सब डालना, तो एक थोड़ा सा ये हो जाता था, हम काफी ज्यादा इरिटेशन होती थी एक ही काम को बार बार करने में। तो हमने क्या किया, एक नया मेल जनरेट किया, मुझे मेल भेजना है यहाँ पे आई पी की कुमार @ipt
हाँ उसे भी कर सकता हूँ, mark@ipt.com, cc में मान लीजिए ipt@gmail.com, सब्जेक्ट हमने डाल दिया डेली सेल्स समय, ठीक है सर। और उसके बाद डियर सर जो लिखते हैं, डियर सर बिलो आर सेल्स, राइट सर। और यहाँ पे जो हमारा डेटा है इसको कॉपी करते थे, और यहाँ भी आपको आउटलुक में भी पेस्ट एज ए लिंक होता है, पेस्ट के लिए क्लिक कीजिएगा पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, और हमें माइक्रोसॉफ्ट इंडेक्स कोड अपडेट सिलेक्ट करके रखते हैं, और फिर नीचे फिर थैंक्स रिगार्ड जो होता है वो हमने कर दिया थैंक्स, ये करते रहे सर। अब मुझे हर बार इतना करना पड़ता है, तो हमने इस मेल को कंपोज किया और हमने इसको सेंड नहीं किया, इसको हम फाइल में जाके हमने इसको सेव एज कर दिया, सेव एज कहां किया, एक लोकेशन पे, और यहां पे आउटलुक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया, आउटलुक टेम्पलेट एंड सेव कर, और इसको मैं आज स्क्रॉल कर लेता हूं, राइट सर। अब मुझे जब मुझे अब यहां देखिए मैं डेटा अपडेट करता हूं, मैं इस पूरे कॉलम को क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद हम अपना आउटलुक का जो हमारा ए है देखिए ना, इसको ओपन करते हैं, यस भैया सर मेल अपडेटेड है, बस सेंड कर देना, अच्छा जी मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना, छूट गया था, सेंड पे क्लिक किया, सेंड सेंड हो गया। अब मैं अपने एक्सेल फाइल को और अपडेट करता हूँ, अब मैं पूरे को ग्रीन कर देता हूँ, अब मुझे आधे घंटे या एक घंटे बाद फिर भेजना है मेल, तो फिर हमने अपना डेटा भी अपडेट हुआ, फिर से टेम्पलेट को ओपन कर, सब कुछ डाला हुआ है, डेटा अपडेटेड है, मेल सब का, बस सेंड पे क्लिक करो, तो हर बार मुझे हमारा अपडेटेड मेल हमको दे देगा, क्लियर सर जी। तो ये हम यूज करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक का। अब चलिए हम क्लिपबोर्ड के बारे में बताते हैं, अब छोटा सा डेटा हम यहाँ लिखते हैं कि नेम, और यहाँ पे हम मंथ कर देते हैं, और यहाँ पे सेल्स, मैं चार पांच सीट इकट्ठा कर लेता हूं, मुझे इस डेटा को पांचों सीट पे कॉपी पेस्ट करना है, इसको कॉपी किया और सिलेक्ट करके हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो देखिए यहां पेस्ट कर, सिलेक्ट किया उसको हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया, देखिए इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको मुझे क्या करना है, पूरे सीट को सिलेक्ट किया, एरिया सिलेक्ट किया, कॉपी, और इसके ऊपर अब पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, सबका बैठ जाएगा। अब मुझे एक काम है, मुझे करना है कि इन सारों का मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, डेटा कलेक्शन आप लोग सेट करते होंगे ऑफिस में, तो इस सारे डेटा को मुझे इसके अंदर पेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए
तो आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, फिर वापस गए कॉपी किए, सबसे नीचे आए पेस्ट किए, कॉपी किए पेस्ट किए, कॉपी किए पेस्ट किए, इसमें हम आप नहीं करते कि ऑटोमेट हो जाएगा, लेकिन हाँ उसका आधा काम हम आपको कम करते हैं। कैसे? चलिए हम आपको, हम पूरे सीट को या पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने से आप सिर्फ कॉपी करना है, यहाँ क्लिप बोर्ड को ऑन कर दीजिए और फिर आपको जस्ट कॉपी करना है, सिलेक्ट कीजिए कॉपी, 24 कॉपी कर सकते हैं, कॉपी सिलेक्ट कीजिए कॉपी, सिलेक्ट कीजिए कॉपी, सिलेक्ट कीजिए कॉपी, सिलेक्ट कीजिए कॉपी, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड कॉपी, सारा कॉपी हो गया। अब मुझे जहां पेस्ट करना है वहां मैं जाऊंगा और यहां पे जस्ट पेस्ट ऑल पे क्लिक कर, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो गया, और पेस्ट ऑल करते सारा पेस्ट हो जाता है। इधर से आप एक एक करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पेस्ट ऑल जब करूंगा, पेस्ट ऑल तो आ गया ना, एक के नीचे कॉपी पेस्ट आपका हो जाता है, ठीक है। मतलब क्लिप बोर्ड का काम क्या बता सर आपको, जैसे कि आपके पास कोई डेटा है इस तरह से बांध के, आपको इसको कई सारी जगहों पे पेस्ट करना है, तो अगर क्लिप बोर्ड ऑन नहीं करते तो क्या करना होता है कि आप इसको कॉपी करते हैं और फिर आप यहाँ पेस्ट करते हैं, फिर आपने इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पेस्ट किया, फिर वापस 33 आपको है तो वापस आपको 33 को कॉपी करके फिर पेस्ट करना होगा ना। बट क्लिप बोर्ड क्या करता है कि अपने पास जो भी कॉपी होता है उसको रख लेता है, अगर मैं 33 किया तो 53 तो वापस मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्लिक कीजिए और पेस्ट कर। ठीक है, तो ये आपका क्लिप बोर्ड था, इसमें कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। ये हमारा पेस्ट स्पेशल था, आप लोगों को डाउट नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास हमारी मंडे होगी, क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे क्लास लेते हैं, बताया मैंने आपको, तो मंडे में करते, या फिर आप कल, आपके पास टाइम है, कल छुट्टी है या ऑफिस है सर आपकी? हाँ छुट्टी है दोनों दिन। रंजीत जी, रजनीकांत जी आपको? मुझे तो कहाँ पे जाना है सर। ठीक है, तो मंडे मिलते हैं, ठीक है? हाँ सर मंडे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मंडे कुछ होता है तो पूछता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजी थी याद होगा, जो 5 घंटे की थी शुरुआत में, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय। थैंक यू।